हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फाइसाई अगेन। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, ठीक है जी। और हमने ये भी देखा था कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है वो देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, दिस इज अ ग्लास स्लैब, ओके। और ये बाहर जो मीडियम है, ये वाला मीडियम एयर है, एयर है ये मीडियम। अब यहाँ पे एक लाइट जो है वो पड़ती है, ओके। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अब लेट करते हैं, ये आ गया हमारे पास, ये नॉर्मल है, इसको एन लिख देता हूँ मैं, ठीक है जी। अब ये लाइट जो है, ये लाइट यहाँ से टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि एयर जो है वो रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो ये लाइट यहाँ से बेंड कर देगी। ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको मैं आर वन लिख देता हूँ, ओके जी। अब यहाँ पे भी एक नॉर्मल होगा, तो अगर हम ओरिजिनल लाइट की डायरेक्शन देखें तो वो डायरेक्शन कहाँ को आती है? वो डायरेक्शन ये है, ये ओरिजिनल लाइट की डायरेक्शन, ओके। अब जो लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, जो लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी वो कैसे जाएगी? वो ओरिजिनल लाइट की डायरेक्शन के पैरेलल जाएगी, ओके जी। इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज एमरजेंट रे, दिस इज एमरजेंट, सो दिस इज एंगल ऑफ एमरजेंस। और ये अगला, इसको आर ही लिख लेते हैं, ये आर है तो ये भी आर होगा, ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों ट्रांसवर्सल हैं, जो इसको एक रे जो है काट रे ट्रांस, ये दे एक ट्रांसवर्स है और ये पैरेलल रेज हैं, ये एन वन और एन टू, इसको एन लिख देते हैं, ओके जी। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये स्लैब नहीं होती तो ये लाइट सीधी चली जाती, अगर ये स्लैब यहाँ पे नहीं होती, स्लैब का नाम लिख देता हूँ मैं पी क्यू आर एस, अगर ये यहाँ पे नहीं होती तो ये लाइट सीधी चली जाती, ठीक है। लेकिन ये लाइट रिफ्रैक्शन के बाद जो एमरजेंट रे है, वो हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी अपनी इस डायरेक्शन है, पैरेलल इसी डायरेक्शन में, लेकिन इससे थोड़ी सी यहाँ पर शिफ्ट होगी। ये जो शिफ्ट है लाइट का, पैरेलली जो शिफ्ट है, इसको कहते हैं हम लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, ओके। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले देखते हैं इसको डिफाइन कैसे करते हैं। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एमरजेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे रे इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। ये डेफिनेशन अगर आपको एग्जाम में आता है, आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है, ओके। अब इसमें हमने ये तो देख लिया कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ठीक है। अब हम जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट की हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओके। इसके लिए एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे। अब वो एक्सप्रेशन कैसे आएगा, देखिए, बेसिकली हमारे को ये चाहिए बी सी, ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ, को थोड़ा सा आगे बढ़ा के इस पॉइंट को सी लिख देता हूँ जी,
ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो इसमें, अगर आप ध्यान से देखो, ये एंगल आई है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल और एंगल आई बराबर है, ठीक है जी। ठीक है, ओ सॉरी, मैंने इसको सी, इसको डी लिख देता हूँ क्योंकि ये सी हमने पहले लिखा है। ठीक है, अब ये एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा आई में से आर निकाल दे तो आई माइनस आर बन जाएगा एंगल। तो इधर लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ पे राइट एंगल है क्योंकि परपेंडिकुलर है ये, ट्राइंगल ए बी सी एंगल एंगल ए जो है इट इज आई माइनस आर, ठीक है जी, ये बात, ठीक है जी, एंगल आई माइनस आर आ गया ये वाला एंगल, ठीक है जी, ये वाला एंगल। अब इस ट्राइंगल में बेसिकली हमारे को बी सी चाहिए। अब बी सी कैसे निकालें, अब वो ऐसे निकाल सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटन्यूज है, क्या ए बी हाइपोटन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है और ए सी बेस है, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये आई माइनस आर अभी अभी निकाला हमने, ठीक है। तो अगर मैं साइन थीटा निकालूँ यहाँ से, यहाँ से मैं अगर लिखूँ साइन ऑफ आई माइनस आर, तो कितना आता है वो, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी। इसका मतलब बी सी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए बी इंटू साइन आई माइनस आर, ठीक है जी, ये मिल गया हमें, ठीक है जी। अब साइन आई माइनस आर तो ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, अब हमें ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी निकालने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, इस ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल है ए डी बी, और डी यहाँ पे भी राइट एंगल है, ठीक है। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से अगर हम निकालें दिस बेस अपॉन इट, यहाँ से निकालते हैं हम कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू बेस, बेस इज दिस ए डी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए बी, ठीक है जी, ये आ गया। तो यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई कॉस आर। अब ए डी क्या है, अगर ए डी यहाँ से देखे जाए, ये बेसिकली हमारे पास इसकी थिकनेस है, इसको लेट कर लेते हैं टी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो ए बी है वो कितना आ गया, ए डी हमारी थिकनेस आ गई टी अपॉन कॉस आर। इसे इक्वेशन नंबर वन लिख लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर टू लिख लेते हैं। अगर इक्वेशन वन और टू को मिला के देखें तो हमारे पास क्या बनता है, पुटिंग इक्वेशन टू इन वन, अगर इक्वेशन टू को वन में पुट करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा जो बी सी है दैट इज इक्वल टू ए बी टी अपॉन कॉस ऑफ आर एंड साइन ऑफ आई माइनस आर, ठीक है। और बी सी क्या है हमारे पास, बी सी ये हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आई हमारे पास, देयर फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट और जो लेटरल शिफ्ट है वो कितनी आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, टी साइन ऑफ आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस ऑफ आर, ठीक है जी। देखिए ये तो रहा एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम और ज़्यादा आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जिसको कहते हैं हम
और ये टी की टी तो है ही है इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में भी निकाला जा सकता है ये वाला फार्मूला लेटरल शिफ्ट के लिए। ओके तो और आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस फार्मूले में। तो ये आ गई हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल वगैरह आगे करेंगे हम, तो देखेंगे कि इसको आगे म्यू की फॉर्म में भी कैसे लिखें। ठीक है, ओके थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन की कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे।